अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काली चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर आइंदा आने वाली अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, मेरी कोशिश होती है रिएक्शन शॉर्ट हो, पॉइंट टू पॉइंट हो। अच्छा, रिएक्शन शुरू होने से पहले जो है वो आप लाइक के बटन को प्रेस कर दें और फिर हम अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, आज के जो टॉपिक है वो तीन चार चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगी और बहुत ही अहम चीज़ें हैं और ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो क्रिएट की गई या क्रिटिसाइज़ किया जाए इन चीज़ों पे, या हम पे जो इल्ज़ाम आता है रिएक्शन और रिव्यू देने वालों पे कि भाई हम जो है एक फैमिली के पीछे पड़ गए हैं और हम इस फैमिली के बस जान नहीं छोड़ रहे, हमारे पास कोई और बात ही नहीं है करने के लिए, कोई और टॉपिक ही नहीं है। तो बहरहाल सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो पहले थोड़ी सी पुरानी बात है उससे स्टार्ट करते हैं। बड़ी बाजी का एक रिएक्शन आया। रिएक्शन क्या? थंबनेल आया था हसद में ठंड। अच्छा, वो हसद में ठंड क्या वो दिखाई दी? वो दरअसल मस्जिद नबवी जाके जो है, यकीनन मस्जिद नबवी रोज़े मुबारक हमारी आंखों की ठंडक है और उसमें हमें बहुत जो है पुरसकून जगह है। लेकिन अगर उस चीज़ को आप अपने कॉन्टेंट के लिए इस्तेमाल कर रही हैं और उस चीज़ को आप इसलिए इस्तेमाल कर रही हैं कि आप दूसरे को जलाएं, देखिए इस्लाम में ना सबसे ज़्यादा हमारे मज़हब में इस बात का जोर दिया गया है कि अमाल का दारोमदार नीयत पर है, अगर आपकी नीयत अच्छी है। अच्छा, मैं समझाती हूँ जो हमारे नॉन मुस्लिम लोग हैं जो नहीं इस्लाम के बारे में जानते, मैं उनको बता दूँ कि हमारे मज़हब में ऐसा है कि अगर आपकी नीयत बहुत अच्छी है आपको चंद छोटी चीज़ों पर भी आपको बहुत बड़ा सवाब मिल जाता है। यानी आपको किसी की तरफ मुस्कुरा के देखना, यानी वो जो हज और उमरा है भी हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन इसके सवाब भी आपको बहुत छोटी छोटी नेकियों पे अल्लाह ताला आपको दे देता है, क्योंकि हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना, तो जो अफोर्ड नहीं कर सकता इसमें उसकी तो कोई मसला नहीं है। तो इसलिए इस्लाम में अमाल का दारोमदार नीयत पर रखा गया है, अगर आपकी नीयत अच्छी है तो फिर आपको उस हिसाब से सवाब दिया जाएगा। फिर ये भी कहा जाता है जैसी नीयत वैसा वैसी मुराद, यानी आपकी जैसी नीयत होगी आपको वैसे ही फल मिलेगा, वही आपको मिलेगा जो आप जैसे आपकी नीयत होगी। अब आप मस्जिद नबी जा रही हैं अपनी बच्चों को छोड़ के, भागम भाग आप मस्जिद नबी गई ऐसे जवाब देने के लिए, और वहाँ जाके जो है आप वीडियो बना रही हैं और आप ये दिखा रही हैं कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ। यकीनन आप होंगी खुशनसीब, लेकिन बदनसीब वो भी नहीं है जो जो मदीने में नहीं रहते। मदीने में रहना या ना रहना इससे आपके उसका ताल्लुक नहीं है। मैं ये समझती हूँ, मैं कोई प्लीज़ इस बात पर मत पकड़िएगा, ये मैं नहीं कह सकती कि जो मदीने में रह रहे हैं वो बहुत खुश नसीब हैं और जो पाकिस्तान में रह रहा है कराची में रह रहा है वो बहुत बदनसीब है। ये अपनी अपनी उसकी बात है, ये कोई कहीं रह रहा है कोई कहीं रह रहा है। मुसलमान जो है वो ज़्यादा कैसा मुसलमान है ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। आपको तकवे की बुनियाद पर जो है हमारे यहाँ हिसाब किताब किया जाएगा, कौन अमीर है किसी अरबी को। या मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा कोट कर रही हूँ, बहुत सारे लोगों के लिए जवाब है, किसी अरबी को अजमी और अजमी को अरबी पे कोई फजीलत नहीं। तुम में से अगर कोई अफजल है तो अपने अमाल पे, अपने तकवे पर है, ठीक है? तो इस बुनियाद पर कोई भी अफजल है। तो लोग कहते हैं ना कि मुझे तो ज़मीन पर रखा गया है तो मैं तो बहुत ही खुश नसीब हूँ, ये बहुत नहीं, ऐसा नहीं है। अरबी अजमी यानी जो अरब में रहते हैं और अजमी यानी जो अरब में नहीं रहते, तो इन दोनों को आपस में कोई फजीलत नहीं है। फजीलत सिर्फ उसको है जिसका तकवा, जो ईमान में मजबूत है, जिसकी ईमान की ताकत मजबूती से है। अच्छा, इसमें आपने जो ये कंटेंट आपने क्रिएट किया, मेरा नहीं ख्याल है कि इसकी ज़रूरत थी, बड़े अननेसेसरी। और यकीन करें आप इतनी सी दिखी हैं इसमें कि आपने हमेशा मज़हब कार्ड खेला है, आपने हमेशा मज़हब को हथियार बना के इस्तेमाल किया है। आपने अपनी सच्चाई बयान करने के लिए आप ठीक है आप मस्जिद नबी के करीब रहती हैं, पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने कॉन्टेंट में मज़हब कार्ड प्ले करें। आप मस्जिद नबी जाके कुरान पाक उठा के आप जो है ऐसी कॉन्ट्रोवर्शियल बातें कर रही थी, आपने हमेशा जो है मज़हब कार्ड खेला है, मज़हब को अपने कंटेंट के लिए इस्तेमाल किया है। अल्लाह की मोहब्बत में आप करें वो एक अलग बात है, अल्लाह की मोहब्बत में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में तो अगर आप मस्जिद नबी जाएं और कहें कि ठंड है
ठंडा है, मेरी आंखों को ठंडक मिलती है इस रोजे को देख के, तो वो एक अलग बात है। लेकिन आप किसी को जलाने तपाने के लिए जा रही हैं, तो ये तो बड़ी ही बहुत ही छोटी बात है, बहुत ही यार बड़ी छोटी बात है आपने जो हरकत की है। यकीन करें आप और ज्यादा से ज्यादा जो है वो गिरे जा रही हैं। मुझे, मैंने पहले भी कहा था कि रमजानों में जो है ये कंटेंट बनाने के लिए, मजे तो नबी जाती थी वहां बैठ के अफ्तार ही करती थी, और मैं ये कहती थी कि भाई अगर वहां पे, मैंने ये कहा भी था अपने रिएक्शंस में कि भाई अगर वहां पे मुसाफिर ज्यादातर लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो खजूर और पानी से रोजा खोल रहे होते हैं, तो ये अपनी पूरी फैमिली लेकर जा रही है वहां पे, डेगचा बना के खाना लेकर जा रही है वहां पे पिकनिक पॉइंट, और इस तरह यार ये कोई पिकनिक पॉइंट तो नहीं है, इबादत की जगह है ना। और फिर आप जो है आप इतना जाहिर से बात है खाना लेकर जा रही है, वहां पे मुसाफिर ऐसे भी हैं जो पानी और खजूर से रोजा खोल रहे हैं, जिनकी औकात नहीं है, और वो आपको देख के ललचाएं, जाहिर सी बात है आपकी इतनी इतनी हैसियत तो नहीं है ना कि आप वहाँ सहन में जितने लोग बैठे हैं उन सबको अफ्तारी करा सकें। और बेजा क्यों आपने रश लगाना, आपने रोज उठ के क्यों जाना वहाँ पे, जो मुसाफिर आए हुए हैं, जो दूर दराज से आए हुए हैं, आप उनको मौका दें। तो मुझे बड़ा इनका कंटेंट जो है बहुत ही अजीब लगा, यकीन करें बहुत मुझे अफसोस हुआ उनकी ये हरकत देख के। मैं तस्वीर नहीं कर सकती कि कोई इंसान इस हद तक मजहब कार्ड को प्ले करेगा। सितारा की सपोर्ट ना, हेटर वेटर इन सब से हटा के मैं एक बात करूं कि आप, और उसके बाद आप थंबनेल ऐसा लगा रही हैं हसद में ठंड, और उसमें इमोजी लगा रही हैं हंसने वाला, यार क्या आपने किया है, यकीन करें मुझे समझ नहीं आता कि आप किस किस्म की खातून हैं। अच्छा फिर मैं राबिया की बात करूँ कि राबिया जो है वो अजीब सी जो है फ्रस्ट्रेशन का सितारा, यासीन के रिश्तेदार शिकार हो गए हैं, उनके घर में ही बैठ के जो है वो मांग रहे हैं कि हमें चैरिटी दो, कि नहीं भाई हमें ही चैरिटी दो, हम ही चैरिटी करेंगे। भाई आपको क्या ज़रूरत है, पाकिस्तान में दसियों ऐसे इदारे हैं, छिपा, सैलानी, एहदी, बहुत सारी ऐसी वेलफेयर्स हैं जो काम कर रही हैं, आपको चैरिटी क्यों दी जाए। आपको पुलिस वाली बनना था कभी, आपने पुलिस वाली बनना था ताकि मैं गरीबों की मदद करूँ, कभी हमने कुछ बनना था यार, ये क्या तुम मतलब सभी कुछ हो, इंसान इंसान बनो ना यार। आप वहाँ पे अजीब, आपने चैरिटी, आपने मस्जिद के नाम पे इतनी चैरिटी मांगी है, इतने फंड्स लिए हैं आप, इतनी यार ये कंट्रोवर्सी हुई थी कि मस्जिद के नाम पे चंदा लेते हैं सितारे यासीन के रिश्तेदार, इतना इतना हुआ था इस पे, इतनी इतनी बातें हुई थी, इतनी इतनी लाइव लगी थी कि ये लोग चंदा लेते हैं, और ये और वो भी सितारे यासीन के घर में बैठ के जो है ये चैरिटी की बात करी कि हम अब कभी सीढ़ियों के नीचे दीवार के आगे जो है खड़े होकर ये इस तरह की बातें कर रही हैं। चैरिटी आपको देने की क्या जरूरत है, आपको क्या जरूरत है लेने की चैरिटी भाई, आपने अपने व्लॉग्स बनाने हैं ना, आप अपने व्लॉग्स बनाए, व्लॉग में चैरिटी क्यों, चैरिटी आपका कंटेंट क्यों है भाई। YouTube कोई चैरिटी के लिए थोड़ी बना यार, YouTube पे कंटेंट अपना दिखाओ, रिएक्शन रिव्यू दो, न्यूज़ दो, ऐसी चीज़ें करो, तो उस पर आप चैरिटी कैसे ले सकती हैं। और वो भी आप सितारा के घर में बैठ के, सितारा यासीन के रिश्तेदार इतनी यार, सितारा पे वैसे ही कम जो बदनामी है, कम चीज़ है, जो आप लोग का चैरिटी का भी एक नया आप लोगों ने धंधा शुरू कर दिया है रिश्तेदारों ने, यार बस करें। मैं तो वाकई सितारा का वो डायलॉग कोट करती हूँ कि मुझे मुझे शर्म आती है कि मेरे रिश्तेदार हैं, ऐसी ऐसी हरकतें आप लोग कर रहे हैं, यकीन करें बहुत ही बेतुकी हरकतें कर रहे हैं यार। मैं कहूँ इनको चैरिटी, इन ऐसे लोगों की क्या जरूरत है आपको चैरिटी देने की, आपको देनी है। पाकिस्तान में इदारे हैं, कैंसर के कितने हैं चीज़ें, शौकत खाना मॉल भी, कितने हॉस्पिटल्स हैं, इतने बड़े बड़े इदारे हैं, आप वहाँ दें, वहाँ पे साफ शफाफ प्योर काम होता है, और आप उसके बाद रो रही हैं, फिर समझ नहीं आया। अच्छा अब मैं बात कर लेती हूँ साजिद साहब की। साजिद साहब ये क्या बात होती है, मतलब मैं यहाँ पे बात करूँगी, शराब पीने दे मुझे मस्जिद में बैठ के, नहीं तो कोई ऐसी जगह बता जहाँ खुदा ना हो। इसका मकसद मैं आपको बताती हूँ, मैंने क्यों कोड किया कि शराब तो हराम ही है ना, चाहे आप मस्जिद में पिए या कहीं पे भी पिए, हर जगह जो है वो खुदा होता है। तो इस तरह मैं आपको ये कहती हूँ कि व्लॉग तो आपके साथ बनाना ही नहीं है ना, चाहे आपके घर में बनाओ या गाड़ी में बनाओ, आपके साथ व्लॉग बनाने क्यों है। आपने एक चीज़ एग्जांपल सेट की, हमने अप्रिशिएट किया, हमने कहा बहुत अच्छा है, हमने तो इस पर कोई जो है वो मुद्दा नहीं उठाया, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है यार, ये खत्म करो झंझट, खत्म करो कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी, बस
तो फिर आपने जो है गाड़ी में बैठ के कह रहे, नहीं मैंने रूल बनाया था, तुम साफ बोले ना यार, रूल बनाया था सितारा यासीन के महके वालों के लिए, अपने घर वालों के लिए रूल नहीं है। अपने घर वाले जो है ना वो व्लॉग्स में आएंगे, अपने घर वालों को मैं व्लॉग्स में लूंगा, कभी आपके बच्चे, आप लोग खुद ही व्लॉग में दिखा रहे हैं ना ये कॉन्ट्रोवर्सी यार। सितारा कह रही है कि मेरे व्लॉग्स जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, कभी बच्चे रो रहे हैं, बच्चे वो जो बीच वाली बच्ची है वो रो रही है कि उसे बाहर जाना है, मेहमान आए हुए आप बाहर नहीं जा सकते। तो ये सब चीज़ें आप लोग अपने व्लॉग्स में दिखा रहे हैं, हम तो व्लॉग के मुताबिक से ही कॉन्टेंट के हिसाब से ही बात कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आप लोग व्लॉग में दिखा रहे हैं, उसके बाद कहते हैं हम पे बात ना करो, हमारी कॉन्ट्रोवर्सी छोड़ दो। यार आप ऐसी चीज़ें दिखाना छोड़ देना, आपने ये चीज़ एग्जाम्पल क्यों सेट की थी सिर्फ सितारा यासीन के महके वालों के लिए, उसके ससुराल वालों के लिए मतलब सब चीजें ठीक है, ये क्या बात हुई? जब नहीं दिखाना तो नहीं दिखाना, फिर कहीं पे भी नहीं दिखाना, दिखाना है तो भी दिखाओ, सबको दिखाओ। यानी डीडी आया था, बीना आई थी, वो आपने वो काले बैकग्राउंड लगवा के आपने उन्होंने वीडियोस बनाई थी, यार हम पागल तो नहीं है ना? और उसके बाद जो है अब आप ये बोल रहे हैं कि भाई जो है घर के अंदर नहीं बना सकते, घर के बाहर बना देते हैं। क्यों भाई, जहाँ बाहर बना सकते हैं घर के अंदर भी बनाए। फिर उसके बाद आप ये भी ऑफर दे रहे हैं, जो भी आएगा मैं घुमाऊंगा फिराऊंगा, आप थोड़ी घुमाए फिरा रहे हैं साहब, ये तो सितारा की सारी मेहनत है, आप क्यों ऑफर दिए जा रहे हैं अपने रिश्तेदारों को कि मैं घुमाऊंगा फिराऊंगा, मैं मतलब घूमेंगे फिरेंगे और इस तरह से ऐश करेंगे, और क्या आपको क्या जरूरत है ये ऑफर देने की कि मैं आप में से जो भी आएगा मैं घुमाऊंगा फिराऊंगा। अजीब बात है, हाँ सब्सक्राइबर्स को नहीं बनाना चाहिए, लेकिन फिर रूल तो रूल होता है, ये तो सबके लिए एक ही होना चाहिए। फिर आपके बच्चे भी कहेंगे भाई ये रूल बना के जो है ना वो फिर तोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि घर में मैं जो है फर्स्ट कीजिए बच्चे कहें घर में मैं हम ये गलत काम नहीं करेंगे, बाहर जाके करेंगे। बहुत गलत बात है, आपने बहुत गलत एग्जाम्पल दी है साहिब साहब, या तो आपको सेट नहीं करनी चाहिए एग्जाम्पल, अगर अपने एग्जाम्पल सेट की है तो उसको पूरा करें, उसको फुलफिल करें। अपने घर वालों के लिए आपका ये नर्म रवैया क्यों है? फिर अकबर फैमिली आपके पीछे पड़ेगी, बहुत बुरे तरीके से आपके पीछे पड़ेगी अकबर फैमिली के लिए, फिर ये दो चीजें क्यों है? अब ये मत कहेगा कि अकबर फैमिली ने क्या किया। देखें सितारा, ये आपकी फैमिली भी कुछ अच्छी नहीं है, इन्होंने आपके भी एक भाई की पूरी फैमिली एक्सपोज हुई है कि उन्होंने सितारा यासीन के साथ किस तरह से एक्सपोज किया है, क्या क्या हरकतें की हैं, पूरी फैमिली एक एक्सपोज हुई है। वो आपको याद है ना अभी जिसकी शादी भी हुई है वो सब, हाँ वही वाला मामला। आपका कंटेंट जो है, अच्छा मैं एक बात ये भी बता दूं अकबर फैमिली के बारे में कि देखिए शुरू में जो इनके व्लॉग्स चले थे वो इसीलिए चले थे, इनका कंटेंट जो था वो अकबर फैमिली का, ये इनका अच्छा सितारा का कंटेंट चल रहा था। अब सितारा खुद ही कह रही है कि उसके व्लॉग्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आप क्यों मेहमानदारी, मतलब आपने एक लगाया हुआ है चलो चलो इस्लामाबाद चलो, हर कोई जो है अब गाँव से उठ के इस्लामाबाद जाएगा और व्लॉग बनाता रहेगा। अच्छा उसके बाद आप ये कहते हैं चैरिटी दो इनको, यार मुझे हद ही हो गई है। यानी सितारा यासीन जिसके सब्सक्राइबर्स जो हैं वो 1 मिलियन के करीब हैं, 10 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स हैं, बड़ी मशहूर पर्सनैलिटी हो गई, यूट्यूब पे उसका शोर बैठ के कह रहा है कि मेरे भाई को चैरिटी दो, भाई और भाभी को, इनको ट्रोल ना करो भाई, अगर उनको ट्रोलिंग का इतना खर्चा है तो यूट्यूब से चले जाएं, यूट्यूब में ये सब कुछ होता है और स्पेशली जब आप ऐसे काम करते हैं। अच्छा एक बंदी है उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, उसका हस्बैंड ये बैठ के कह रहा है कि मेरे भाई को और भाभी को चैरिटी दो, इस बात का मतलब आपको पता है सर साहब, इस बात का मतलब ये है कि आपके ऊपर ऐसे ऐसे हेटर्स और लाइव लगेंगी कि यार ये आपका साइड बिजनेस है, ऐसे आप यकीन करें। लाइव्स लगने के लिए कोई ऐसी बातें नहीं होती हैं, लेकिन खुद ही ऐसी बातें आप लोग दे देते हैं कि उसमें लाइव लगती है। मैंने ऐसा भी सुना लोगों के मुंह से कि भाई ये इनका साइड बिजनेस है, पहले डीडी और बाबर लेते थे चैरिटी, अब ये इन्होंने इनको ये जो है साइड बिजनेस है, सितार जो है साइड में चैरिटी लेती हैं, ये सारी बातें उस बंदी में आएंगी। इतनी मेहनत से उसने एक नाम बनाया है, एक एक मतलब 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, उसका शोहर आके ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है, आपको 10 बार सोचना चाहिए था, आपने स्टेटमेंट दी ही कैसे? आप तो इतनी समझदारी कभी कभी बातें करते हैं, कभी कभी ऐसी अहमकाना गुफ्तगू कर जाते हैं। यानी आप अपने भाई और भाभी की मोहब्बत में इस कदर क्यों गिरफ्तार हैं कि आप कुछ भी ऊटपटांग बातें किए जा रहे हैं, कुछ भी ऊटपटांग बातें किए जा रहे हैं। चैरिटी को सितारा से एसोसिएट किया जाएगा और फिर
ये जो है ना मामला बहुत खराब होगा। अब जब सितारा का शोहर ही खुद कह रहा है तो आप यकीन करें आपने अपने भाई भाभी को मजबूत कर दिया। अब लोगों से वो और चैरिटी इकट्ठा करेंगे, उस चैरिटी के साथ क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता। ये चैरिटी बहुत ही एक बड़ी चीज होती है, इसको इसके जो कहते हैं ना जो हकदार है उन तक पहुंचाना चाहिए। अच्छा अब हम बात कर देते हैं सबसे अहम टॉपिक जो है वो है जी रिकॉर्डिंग सामने आ गई है। अच्छा रिकॉर्डिंग जो है अब देखिए हमारी सोच और इनकी सोच, हमारी सोच भी वहां तक नहीं जाती जहां पे ये पहुंच जाते हैं। अगर आप और हम किसी की रिकॉर्डिंग करें कैसे करेंगे मुझे बताएं? ऐसे ही हम रिकॉर्डिंग कर लेंगे ना, लाउड स्पीकर पे ऑन करके रिकॉर्डिंग कर लेंगे, या हम फोन में कोई ऐप डालेंगे कि भाई हम रिकॉर्डिंग हो गई। लेकिन ये कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे? ये वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि हमने ये चीज़ छोड़नी है मार्केट में, उस पर ये कहा जाएगा कि ये एडिट है। तो अब हमने करना ही ये काम है कि हमने इसको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है। तो यानी एक चैनल पे, हाँ वही डोज करके जो चैनल है आप लोगों को पता है, उस पर वीडियो रिकॉर्डिंग लग गई भाई, कि नीनू जो है वो टहलते टहलते बात कर रही है और वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि कॉल एडिट नहीं है। अच्छा मैं यहाँ पे ये बात कहती हूँ, वेदर इट इज एडिटेड और नॉट एडिटेड, ये इट डजेंट मैटर। एक खातून के बारे में जिन्होंने सितारा यासीन पे केस किया था, उन्होंने, सितारा ने तो यार दो लफ्ज बोले हैं, उन्होंने इससे कई कई बड़े लफ्ज जो है सितारा यासीन के लिए और उसकी वालदा के लिए बोले थे, इससे कई कई बड़े लफ्ज, कई बताएं केस किया उसको, इतना मतलब परेशान किया। तो अगर उसके उसमें मतलब एक होते ना हाइपर हो गया इंसान, एरोगेंट, मतलब एरोगेंस में आके, किसी भी चीज में आके, प्रेशर में आके, अगर उसने वो दो लफ्ज बोल दिए तो उसको पकड़ रहे हो यार, कहाँ से कहाँ की बात ला रहे हो आप। उस पूरी रिपोर्टिंग को आप कह रहे हैं कि ठीक है जाने दो, लेकिन इसने ये दो लफ्ज बोले तो क्यों बोले, ये बात नहीं है। अच्छा उसने ये बोला कि अच्छा जब मरियम की बात, वो मुझे मुझे है कुछ उस पे के सितारा ने कैसे बोला, नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन यार वो भी एक अंडर प्रेशर में आके, मैं कहती हूँ कि इंसान कभी कभी कुछ ऐसा बोल देता है कि माँ के अंडर प्रेशर में आके, जाहिर बात है क्योंकि मरियम की और इनकी जो नज्जो है इनकी बहुत शदीद लड़ाई चली थी, बहुत शदीद लड़ाई चली थी, वे मरियम की और बड़ी बाजी की भी शदीद लड़ाई चली थी, तो माँ के प्रेशर में आके शायद उसने कोई एक आध लफ्ज बोल दिया। अच्छा अब वो ये कह रही है घर आने से मना किया, वो भी कोई एक ऐसी बात नहीं थी, कि सितारा कह रही है कि ये लोग मुझ पे इतनी हेटर्स बातें कर रहे हैं तो मैं क्या करूँ, रो पीटूँ, अपने लाइवे लगा लगा के बैठूँ। तो खैर ये जो भी कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई है, यार मैं कहती हूँ एक बंदी आप ये तो देखें कि उस पर प्रेशर कितना है, उस पे बुराई कितनी है, उस पे यानी वो एक लफ्ज भी नहीं बोल सकती और बाकी इंसान कुछ भी बोल देता है। पर मैं इस नागन की प्लानिंग देखूंगी यार, प्लानिंग और प्लॉटिंग। अब भी ये कहेगी कि ये अच्छा देखें वीडियो नहीं आई, पर एक दिन इनकी, फिर एक दिन आई इनकी वीडियो कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, जब ये बाबर को रिसीव करने गई थी, उसके बाद इन्होंने वो पूरी रिकॉर्डिंग जो है वो पहुंच जाती है और वो यूट्यूब पे लग जाती है। आप फिर कहते हैं हमारी जान छोड़ दो, हम पे बात करना छोड़ दो, हम पे बात करना छोड़ दो, हमारी जान छोड़ दो, भाई कैसे छोड़ें आप, ये हरकतें करना छोड़ दें, यानी यार हद ही है। मतलब मैं भी अब किसी की कॉल रिकॉर्डिंग करनी हो तो मैं वीडियो बना के फिर करूंगी कि वीडियो रिकॉर्डिंग है, यानी आप सोचें, जहन देखें आप बंदी का कि मैं ये करूंगी प्लान, ये करूंगी, फुला वॉइस लीक करूंगी, मैं ऐसे सितारा को ट्रैक करूंगी, मैंने ये करना है, फिर मैंने ये करना है, फिर मैंने ये करना है, ऐसे ट्रैक कर रही है। एक इंसान की आदत होती है डसना, वो डसता ही है, उसके अंदर जहर ही भरा होता है, वो हमेशा डसेगा। तो सितारा जरा मोहतात रहे, ये तो एक बंदी आपके सामने आई ना, आपके खानदान में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो आपके पीठ के पीछे छुरा लेके खड़े हैं, कभी भी खोपेंगे, कभी भी खोपेंगे। लेकिन आप, मैं क्या कहूँ, आप फिर माफ़ कर देती हैं, ये आपका चले अल्लाह ताला शायद इसीलिए आपको नवाज रहा है, ये आपकी अपनी मर्जी है। मैं फिर कहती हूँ मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, तो जब आप एक्शन लेंगी अपने ऊपर तो फिर ज़रूर हम भी आपका साथ देंगे, पर इसके लिए आपको बोलना, खड़ा होना पड़ेगा, अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। लेकिन ऐसी रिकॉर्डिंग, ऐसी वीडियो रिकॉर्डिंग लीक कर, अब ये किसने किया,
अब वो तो बात कर रही है बंदी सामने से, उसका जो बंदर सॉरी शौहर जो है वो रिकॉर्डिंग कर रहा है। अब वो रिकॉर्डिंग वो किसको दे रहा है? बड़ी बाजी को दी होगी उसने, अगर आप कहें, और किसको दी होगी फैमिली में? बड़ी बाजी ने लीक की है या नीनू ने लीक की है? की तो यार इसी इन लोगों ने, मेरी भगत है वो सुला वॉइस, ये सब जहाज शाह, ये सब वो सुला वॉइस में जहाज शाह से बात करनी है, सुला ही सुला है। तो यार ये सब इनकी प्लानिंग थी, प्लॉटिंग थी सितारा को ट्रैप करने की, इन्होंने ट्रैप कर लिया। खैर एडिटेड तो नहीं है यार वो वॉइस, वॉइस तो रियल है, लेकिन मैं कहती हूँ अगर इतने प्रेशर में अगर एक बंदी एक आध ऐसी बात कर देती है तो हमें उसे पकड़ना नहीं चाहिए, हमें उस बात को नहीं पकड़ना चाहिए बिल्कुल भी, इसको लेट इट गो कर देना चाहिए। तो सारी बात यह है कि भाई सब गंदा है पर धंधा है, ये तो ऐसे ही चल रहा है। बहरहाल आप नागन एक दफ़ा फिर बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज होंगे, पता है आप जब किसी दूसरे को एक्सपोज करने चलते हैं ना तो आप कहीं ना कहीं खुद एक्सपोज हो जाते हैं, तो आप खुद इतनी गंदी तरीके से एक्सपोज होंगे हैं कि अब आपके जो व्यूज 15 रह गए थे ना, यकीन करें वो 5-6 पे चले जाएंगे, क्योंकि आप बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हो गई हैं। आपने सितारा को एक्सपोज नहीं किया, मैं तो कहती हूँ जितना उसके ऊपर किया गया, और जैसी गंदी गंदी जुबानें ये लोग इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर, उसके लिहाज से जैसी बुरी रिपोर्टिंग उस पर की गई थी उसके लिहाज से तो उसने कोई कुछ बोला ही नहीं है। तो ये सब थी बहरहाल आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।